कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया ने यूके और यूएस के साथ मिलकर एक ग्रुप को ज्वाइन किया जिसका नाम था ओकस, पर इस ग्रुप के चलते फ्रांस को कई अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इस ग्रुप का जो मेन पर्पज है वो है ऑस्ट्रेलिया को चाइना को काउंटर करने के लिए वेपन प्रोवाइड कराना, पर इस ग्रुप के चलते फ्रांस को कई अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, जिसके चलते फ्रांस ने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत तक को वापस बुला लिया। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि ओकस ग्रुप क्या है और कैसे इससे फ्रांस को इतना बड़ा घाटा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। चाइना अपनी नेवी को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहा है। इस रेस में उसने सुपर पावर तक को हरा दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी बना ली है। इसकी सनक इस कदर है कि चाइना ने अमेरिकन नेवी से भी 300 से भी ज़्यादा शिप बना लिए और अपनी विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कारण वह उसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नेवी ज़्यादा पावरफुल और एडवांस नहीं है, इसके पास केवल 6 सबमरीन ही है जो कि कन्वेंशनल है और काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है। बात है 2016 की, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक डील की। इस डील के अंडर फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को 60 बिलियन डॉलर की अमाउंट में 12 कन्वेंशनल सबमरीन प्रोवाइड कराएगा, जिससे ऑस्ट्रेलियन नेवी चाइनीज नेवी के बढ़ते इन्फ्लुएंस को टैकल कर सके और अपनी कंट्री को सिक्योर कर सके। एंड देन 2021 में एक नया प्रोटेक्शन ग्रुप ओकस को 3 देशों के बीच ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस के बीच बनाया जाता है। इसका जो मेन पर्पज है वो है ऑस्ट्रेलिया को चाइना को काउंटर करने के लिए तैयार करना। इसमें अमेरिका और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 12 नई न्यूक्लियर सबमरीन बनाकर देंगे, जिससे ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां ऐसा देश बन जाएगा जो न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करेगा। इससे पहले केवल रशिया अमेरिका यूके फ्रांस चाइना और इंडिया के पास ही न्यूक्लियर सबमरीन थी। साथ ही यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को साइबर और एआई टेक्नोलॉजी भी देंगे। साथ ही 12 न्यूक्लियर सबमरीन के दम पर ऑस्ट्रेलियन नेवी चाइनीज नेवी को काफ़ी हद तक काउंटर कर सकेगी। और यहीं से शुरू होती है फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस के लिए नाराजगी, क्योंकि 12 सबमरीन की डील पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ की थी, पर इस डील को स्क्रैप कर दिया गया और सबमरीन का ऑर्डर यूएस को दे दिया गया, जिसके चलते फ्रांस को 60 बिलियन डॉलर का एक बड़ा नुकसान हुआ। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और यूएस से इस कदर नाराज है कि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस से अपने राजदूत तक को वापस बुला लिया है और इस फैसले को उसके पीठ में छुरा घोंपने का करार दिया है। और फ्रांस का यहाँ गुस्सा सही भी है, एक फैसले के चलते फ्रांस को छोटा मोटा नहीं बल्कि 60 बिलियन डॉलर का एक बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसके लिए इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें। तो फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।